महीने के बच्चे को छोड़ के इसकी माँ फरार हो गई है ना भैया, आपकी ही पत्नी थी? हाँ, मेरी ही पत्नी थी। दूध पीवा बच्चा है ना? हाँ। ये बच्चा माँ का दूध पीता है, और माँ कैसी है कि इस बच्चे को छोड़ के अपने जीजा जी के साथ फरार हो गई है। शौचालय नहीं था, शौचालय के नाम पे सुबह 3 बजे घर से निकली और फिर घर आई ही नहीं, शौचालय के नाम पे ही फरार हो गई। शौचालय के नाम से फरार हो गई। जब तो हम इतना करते थे, उनको हर चीज का ख्वाहिश, हर चीज पूरा करते थे, हर चीज पूरा करते थे। हाँ, कोई चीज का कमी नहीं करते थे। ये भाग गई अपना जीजा जी के साथ। जीजा जी के साथ भाग गई जी। अपने ही अभी जो मेरे हाथ में आप ये बच्चा देख रहे हैं, ये 1 महीने का बच्चा है, और कहानी कुछ ऐसी है कि इस 1 महीने के बच्चे को छोड़ के इसकी माँ फरार हो गई है ना भैया, आपकी पत्नी थी? हाँ, मेरी ही पत्नी थी। अच्छा, कब फरार हो गई? उनको जरा सी भी दया नहीं आई इस मासूम से बच्चे पे? नहीं, दया आती तो छोड़ के थोड़ी जाती हो। दया नहीं आई इसलिए भाग गई अपना जीजा जी के साथ। जीजा जी के साथ भाग गई जी, अपने ही जीजा जी के साथ। हाँ, बड़े जीजा जी। अच्छा भैया, कहानी क्या थी जरा बताइए कि कैसे, मतलब आपको पता चला कि मेरी पत्नी अब भाग गई है? उनसे बातचीत कर रहे थे ना, तो हमको इस पे डाउट हो गया। अच्छा, डाउट हो गया आपको? हाँ, इधर आइए भैया। डाउट हो गया आपको अपनी पत्नी पे, है ना, और इस बच्चे को भी छोड़ के भाग गए। तभी ये बच्चा देखिए कितना मासूम बच्चा है, और ये दूध पीवा बच्चा है ना, ये बच्चा माँ का दूध पीता है, और माँ कैसी है कि इस बच्चे को छोड़ के अपने जीजा जी के साथ फरार हो गई है। क्या करते हैं भैया आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। शादी कैसे की थी? लव मैरिज था? हाँ, शादी जो है ना, लव मैरिज हुआ था। पकड़ो शादी। पकड़ा हुआ शादी? किसने किसको पकड़ लिया? मेरे को यहाँ से बुलाया, वहाँ जो है 10 तारीख को बुला लिया कपड़ा के नाप से, 11 तारीख को जो है ना सुबह में शादी कर दिया पकड़ के। मतलब पकड़ा हुआ शादी हुई, आपको बुलाया गया और पकड़ के शादी करा दी जबरदस्ती? हाँ। लड़की के परिवार वालों ने। और जब शादी के बाद एक बच्चा हुआ, 1 महीने का बच्चा है, तो बच्चे पे भी तरस नहीं आया, बच्चे को छोड़ के भाग गए जीजा जी के साथ? क्या करते हैं जीजा जी? भी मजदूरी करता है। जीजा जी में ऐसा क्या खास था, मतलब शादी से पहले ही बात करती थी क्या जीजा जी से? अब शादी से पहले तो वहाँ हम नहीं गए थे, हमको जानकारी होगा। जब शादी से पहले से बात कर रहे थे तब ना इतना दोनों को प्रेम था। आपसे ज्यादा सुंदर था जीजा जी? अब सुंदर था तब ने भग गई वो जो है। आपसे ज्यादा सुंदर थे जीजा जी? अब उनके लिए हमसे ज्यादा सुंदर है तब ने भग गई जीजा जी लेके। अच्छा भैया, अब आएंगे तो रखेंगे अपनी पत्नी को? हाँ, रख लेंगे। रख लेंगे? हाँ। इतना बड़ा दिल है? हाँ, मेरा अगर दिल... पत्नी भाग गई तो फिर भी आएगी तो रख लेंगे? जी, रख लेंगे। अभी अभी क्यों रख लेंगे अब? कारण? कारण ये कि बच्चा, और हम बच्चा के लिए उनको बुलाएंगे, रखेंगे। बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप? हाँ। है ना, इस मासूम से बच्चे के लिए। हाँ। बच्चे को दिखाइए कि कितना सुंदर सा ये बच्चा है, कितना मासूम बच्चा है ये, और इसको छोड़ के भाग गई इसकी माँ। अच्छा भैया, कैसे भाग गई, मतलब रातों रात फरार हो गई क्या? नहीं नहीं, रातों रात नहीं, 3:20 पर निकली घर से। रात में? नहीं, सुबह में। सुबह में 3:20 में निकल गई? निकल गई। हाँ। आपको न उठाया हमको, जैसे अब हम लोग का तो शौचालय है नहीं। हाँ। तो बाहर शौचालय करने के लिए गए, जब 3:32 हुई तब इनको हम खोजने के लिए निकले। निकले जब चारों दुनिया हेर लिए, नहीं मिला तो घर आए, तो उनका बैग तलाश किए, तो बैग में ना उनका आधार कार्ड था, ना अकाउंट नंबर, कुछ पैसे दिए थे वो भी नहीं था। मतलब गांव में शौचालय नहीं था, शौचालय के नाम पे सुबह 3 बजे घर से निकली और फिर घर आई ही नहीं, शौचालय के नाम पे ही फरार हो गई। शौचालय के नाम से फरार हो गई। जब उनको हम ढूंढने के लिए निकले तो यहाँ डायरेक्ट हम गए मिल की। मतलब शौचालय नहीं मिला तो आपदा को उन्होंने अवसर में बदल लिया और भाग गई शौचालय के नाम पे? हाँ, शौचालय के नाम से भाग गई। अच्छा, कैसे पता चला कि अभी वो कहाँ है और जीजा जी के साथ ही है? वो हाँ है ना, मेरा एक सिस्टर बहन है, उनको माफे से हमको पता चला कि हाँ लड़की आ गई यहाँ, तो बोले ठीक है। अच्छा, ऐसी ऐसी कहानी समाज में क्यों आ रही है कि किसी की पत्नी भाग जाती है, कोई बच्चों को लेके पाकिस्तान से इंडिया चली आती है? आप उनसे प्यार नहीं करते थे? प्यार तो हम इतना करते थे, उनको हर चीज का ख्वाहिश, हर चीज पूरा करते थे, हर चीज पूरा करते थे। हाँ, कोई चीज का कमी नहीं करते थे। पता ना अब क्यों, हमारे क्या चीज का दिक्कत हुआ जो निकल गई। अच्छा, कभी दिक्कत वगैरह बताती थी क्या आपको? लड़ाई झगड़ा होता था दोनों में? नहीं, कभी नहीं। लड़ाई भी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ था। हाँ, अगर मारपीट किया होता तब हम बोलते हैं हम मारपीट किए हैं।
जब शादी का 2 महीना बीत गया ना तो हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद जो है हमारे मोबाइल पे बाहर में व्हाट्सएप फोटो दूसरा लड़का को भेजा, तो हम पूछे तो कुछ गुस्सा उस्सा वहीं से किए, फिर 2-4 दिन फोन नहीं किए तो फिर जो है शांत हो गए, फिर अपना गुस्सा हम कंट्रोल कर लिए। फिर जब करिए भैया बच्चे को बताते हैं भैया आप कैसे बर्दाश्त कर लिए दूसरे लड़का का फोटो भेजा तो जरा देखिए कि ये मासूम सा बच्चा है और इस 1 महीने के बच्चे को छोड़ के इसकी माँ भाग गई है। कैसे व्हाट्सएप पे किसकी फोटो भेजी थी? वो दूसरा लड़का था तो दूसरा लड़का था। हाँ उनका भाभी का उनका माँ का उनका हम सब से बात किए तो बोला ये कि नहीं हमारा भौजी का भाई है भाई है, तो उनका भौजी बोला हमर भाई यहाँ कहाँ है, हमारे दोनों भाई तो बाहर में है। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, अब किसी का फोटो होगा, हम गुस्सा तामस किए लेकिन मारपीट नहीं किए, नहीं किए मारपीट क्योंकि हम बाहर में थे। तकर बाद उसके बाद जब गांव आए हैं तो हमारा मोबाइल पर फिर दूसरा लड़का का स्क्रीन पर फोटो सेट कर दिया हमारे सामने में, हमारे सामने में जब सेट कर दिया फोटो इन्हीं के सेट कर रखे थे तो वो भी थे हर चीज थे, हम फिर गुस्सा तामस किए लेकिन मारपीट हम नहीं किए। मतलब काफी लड़कों से बात भी करती थी वो, है ना? अब चुपचाप का मतलब तो यही हुआ। हाँ करती थी चुपचाप लेकिन हमारे सामने बात नहीं करती थी। जब 27 तारीख को जब हम पकड़ लिए ना बात करते हुए, जब हम निकले उनसे पहले निकास करने के लिए तो ये बात करने लगी। तो आपने अपने जीजा जी से नहीं पूछा कि मेरे घर को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? मेरा जीजा जी नहीं, उन्हें उनका अपना अच्छा, उनके वो अपने जीजा जी के साथ भाग गई तो उनके जीजा जी से आपने नहीं पूछा, उनकी बहन को आपने नहीं बताया? बताए जब वहाँ जो गए पहले तो मिलकी यहाँ से लड़की ढूंढने के लिए गए तो वहाँ जो हमारे साथ मारपीट किया। अच्छा कौन? हमारे सास, हमारा सर हुए। मतलब आपकी सास ने आपको मारा? मारा हाँ, ये भी नहीं पूछा हाँ कुटुम्ब कहाँ आया है किस लिए आया है। मतलब एक तो 1 महीने के बच्चे को छोड़ के फरार हो गई है इनकी पत्नी और जब ये ससुराल में जाते हैं तो इनके सास भी इनको मारती है ना? सास ने मारा था? नाश्ते पानी चाय वगैरह के लिए भी नहीं पूछा सास ने? आते ही मतलब मारने लगी आपको आपके ससुराल जाते ही? हाँ बस पहुँचे हमको बस कारर पकड़ के, टी शर्ट पहने थे टी शर्ट और गमछा रखा था, बस पकड़ लिया गमछा ऐसे क्या टी शर्ट बस मारना शुरू कर दिया। आपने पूछा नहीं कि क्यों मार रही हूँ? हम पूछे कि रुकिए नहीं क्यों मार रहे हैं? नहीं हमारा बेटी तो मार दिया है, मार के आया है ऐसे वैसे। हम बोले कि हम मार के नहीं आए हैं, वही खुद बोला। हम नहीं पूछे कि हाँ तुम्हारा बेटी भाग गया, हम नहीं पूछे, वो खुद अपने मुंह से बोला। मतलब ससुराल में कुछ और ही कहानी चल रही है आपके ससुराल में? हाँ। लेकिन कहानी की सच्चाई ये है कि इस 1 महीने को 1 महीने के बच्चे को छोड़ के माँ फरार है, पिता परेशान है और ये उन्हीं के पति हैं और मीडिया में खुल के सारी बातों को रख रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी से शादी किया, शादी करने के बाद बच्चा हुआ और बच्चा जब 1 महीने का है तो पत्नी अब फरार है अपने जीजा जी के साथ, है ना? लास्टली क्या बोलिएगा अपनी पत्नी से? लास्टली तो यही हम बोलेंगे जो किया पछतावा हो रहा है उनको तो आ जाए हम रख लेंगे अभी भी रख लीजिए। हाँ अभी भी रख लेंगे बस, और हम उनको क्या कहेंगे, छोटा बच्चा पर अगर दया होगा पछतावा आया होगा अपना कर्मा का तो आ जाएगा। आँख में आंसू भी है भैया, इमोशनल हो गए हैं पूरा बोलते बोलते। बच्चा को देखते हैं तो आंसू आ जाता है, परिवार की याद आता है तो आँख में आंसू आ जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है इनके हाथ में, ये बच्चा अभी मतलब क्या मतलब दूध वगैरह पीता है ये? हाँ अभी तो ये दूध अपने फुआ को बुलाए, इनको फुआ को बुलाए हैं ससुराल से, हमारा छोटी बहन है ना उनको बुलाए हैं इनको पियाने के लिए, उनको भी छोट बच्चा है 2 महीना का है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही पिलाता है। अच्छा तो स्थिति देखिए कि कितनी ज़्यादा ख़राब है इनकी और भैया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके अभी बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलतियों को मैं माफ़ कर दूंगा, तुम मेरे बच्चे को छोड़ के और मुझे छोड़ के भाग गई मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन अभी भी तुम्हें पछतावा है तो आ जाओ, है ना? क्या नाम है आपका? पिंकू सदा नाम है। और मेहरबानी होगी मैडम आप आ जाइए और अपने घर को संभालिए। और आपकी क्या राय है इस वीडियो को देख के कमेंट कीजिए।